ये आ गए पापा उनके। एक मिनट भाई, एक मिनट, आप इधर करो, इधर की तरफ ले, मेरी पोती बेमोत मार दी। देखो बोलो कुछ है, बोलो बोले अपने बोले जी। सुनो बताओ क्या हुआ। कानून क्या करेगी है? अगर हम देखें क्या हुआ, सजा कैसा होता हुआ उसकी? हम तो सजा नहीं चाहते, इसको ऊंचा सुनो भाई, फांसी होनी चाहिए जी उसके, कम से कम फांसी की होनी चाहिए। न्यायपालिका से ये अनुरोध है और सरकार की भी, कम से कम फांसी होनी चाहिए उसका पूरा। उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी, फांसी होनी चाहिए जी ऐसी। फांसी ठीक है। नहीं, हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है, ये मीडिया ने फैला रखा है। आप आ गया, ये जिसको बोलना है वो आ गया है। आप आ गया, जाओ जल्दी। आप खड़े रहिए, हाँ बताइए, एक एक करके आराम से सुनिए। मैं बलजीत सिंह एडवोकेट गांव से ही हूँ और मेरी बहन थी गांव के सम्मानित। और जितना भी आज देखा सुबह से, एक तो जो मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एक बेटी लिव इन रिलेशन में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत। हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या? कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में दे, बिल्कुल गलत है। हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान आल्सो। वो कभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती विक्टिम की, और इसके अंदर सारा सारी फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज, गाँव की डिस्क्लोज कर दी सारी की सारी। वो इतना बड़ा अपराध कि ये तो ये चलो समय रहते ये पता चल गया, पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहाँ से, नहीं सर दागी तरह टुकड़े करता ये तो। इसके वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हम। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का एजेंडा है, और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है देखिए। रोजाना पीछे सर दाता, रोजाना किसी न किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध हो रहा है। अब माँ बाप हैं इनके, ये बेचारे क्या करें इसका। अब गैर गैर बच्चों में थोड़ा रह सकता है कोई। सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये देखिए आपके सामने है सबके, और सारे गांव में बड़ा भारी रोष है इसका। अगर वो यहाँ का लोकल मामला होता तो शायद बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हो जाता। अब ये दिल्ली का मैटर था और वहाँ से जो भी कार्रवाई हुई है वो लेके आए वहाँ से गांव के आदमी। और तो ये आपसे अनुरोध है कि इसको ट्रायल जो चला रखी है वो बिल्कुल रोका एकदम, कि किस किस आदमी ने ये सारा दिया है मैटर है कि वो लीव रिलेशन। ये बिल्कुल झूठी बात है। बेटी कोचिंग करती थी अपनी, पढ़ती थी वहाँ, पीएचडी की तैयारी थी आगे। और किस तरीके से उसने उसको लड़की को किस तरह गुमराह फुसलाया है इस बात का भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो अचानक ये हादसे का पता लगे और सब लोग पहुँचे पुलिस ने। पिताजी को बता दी, पिताजी कहाँ? सुनिए पिताजी आ गए। और इसमें हमारी ये रिक्वेस्ट है सारे गाँव की कि इस पर स्पेशल ट्रायल फास्ट ट्रैक में इसको जल्दी सुनवाई। सामने से सुनील बोल, आप बता क्या अब आप कहेंगे सरकार से, क्या अपील है, क्या मांग करेंगे? यही अपील है जी कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को इसे निर्मम हत्या करके मारा है उसकी सजा ही मौत होनी चाहिए, बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं। पुलिस ने बताओ कैसे मारा सर उन्हें? ठीक 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 चलो। आप बताइए, सभी की यही है। आप अपना परिचय दिए पहले। मैं या तो महासभा का प्रधान हूँ जिला झज्जर से, और ये इसकी अंदर पूरे गुहांड के अंदर पूरे एरिया के अंदर बहुत भारी दुख है। और जो बाबू जी बलजीत जी ने बताया ना, ये जो सब कुछ ये लिविंग बता रखा है गलत है, ऐसी कोई नहीं बात थी। और ये किसको पता है, लेकिन इसने जो भी कराया है इसने, इसकी सजाएं मौत होनी चाहिए। न्यायपालिका से हम अनुरोध करते हैं, और इसके लिए चाहे पूरा एरिया को इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े, कम से कम इसकी सजाएं मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा दी। सरकार के किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई है? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, अभी पता है, अभी लग गया था ना। और ये तो इतना गलत नालायक बच्चा था, जिस ये बिल्कुल ठीक करे, जब फ्रिज के अंदर उसको बंद कर दिया तो इसकी बोटी बोटी भी करता हुआ, और इसको खरबुदुर करता, और उसके बाद में उसने शादी भी कर ली। तो ऐसे बेटियों के अंदर अत्याचार होता है, कैसे पढ़ाई करेंगे? बाहर जाकर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारी तो यही है न्यायपालिका से भी,
इससे बाकी परिवारों पर भी असर पड़ेगा, अपनी बेटियों को पढ़ाने में जी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी दुख की बात है। कौन लड़कियों को बाहर भेजेगा बताओ? ये वहाँ कोचिंग ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी, बेला फुसला कर कैसे जो कुछ कहानी हुई है उसका तो पता लगा, लेकिन ये गलत है। ऐसा कोई नहीं, तो घर आती थी बच्ची, घर वालों के पास आती जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हरियाणा राज्य में जहाँ लड़कियों को वैसे ही पढ़ाया कम जाता है, इसकी छवि बनी हुई है। इस केस से आम लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। उस बाहर लड़कियों को भेजने में बड़ी संकोच होगा लोगों को कि इस तरह के वाक्य होते रहे तो कैसे कोई बच्ची सुरक्षित रहेगी और कैसे माँ बाप उसको बाहर भेजेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना माँ बाप का के हाल बुरा हाल हो रहा है। और रही बात यह कि सबसे बड़ा जो आघात लगा है ना इस बात में कि जो मीडिया ने ये सब दिखाया है ना, किसकी सह पे किसने डाला है सारा कि भी वो लीव इन, कोई फ्रेंडशिप बच्चों की दोस्ती स्कूल वकूल में हो जाती, ये किसने बता दिया लीव इन रिलेशन? ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल है बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत किया है, या ट्रायल कोई फेवरेबल कुछ कर चला रही हो तो बिल्कुल गलत है। इस तरह कभी न्याय मिलेगा नहीं किसी भी बच्ची को। नहीं, मीडिया तो आपके साथ है जी, मीडिया फुल सपोर्ट करेगी आपको। धन्यवाद आप तो तीसरे स्तंभ हो, आप नहीं होंगे तो कौन सुनेगा फिर? जी बहुत अच्छी बात। ऐसे ऐसे आरोपी को सजा नहीं मिलेगी, मरते रहेंगे। पूरा क्षेत्र इस बात को भी रेखांकित कीजिएगा कि इससे जो हजारों लोग अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ाने का जज्बा रखते हैं उनके जज्बे पे प्रभाव पड़ेगा, है ना? बच्चों और बच्चों से आप अपना परिचय दीजिए। हम तो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द सजा मिले उसको, ताकि ये आगे तक भी मैसेज आए, आगे कोई करने से कतरा इस तरह के जघन्य अपराध, और पूरा गाँव इकट्ठा होके कानून लड़ाई लड़ेगा। जब तक उसको फांसी नहीं हो जाती, पूरा गांव एक साथ रहेगा। जी जी, क्या नाम है अपना परिचय दी? मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव का सरपंच हूं। जी जी, थैंक यू। ठीक है।